नॉवे गाइस, मेरा नाम शैलजा है। We're going to the village today. Yes. So आज हम जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे घर के पास ऑसो के पास ही एक छोटा सा विलेज है, बायरन वॉक उसका नाम है। वो बहुत सुंदर जगह है। हम आज जा ही रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना व्लॉग करें और आपको भी दिखाए कि वो जगह कैसी है। सो लेट्स गो। Yeah. Let's go. तो ये अब अपनी बस आ गई है। हमें दो बसेस चेंज करनी है। ये हमें सांद्रिका बस टर्मिनल तक लेके जाएगी और फिर वहां से हम दूसरी चेंज करेंगे। चलो भाई। कि हम पहुंच गए हैं सांद्रिका बस टर्मिनल। जे सारी बसेस यहीं से जाती है। अगर ऑस्लो भी आपने जाना है तो आप यहीं से बस ले सकते हैं और यहीं पे सामने आप ऊपर दिख सकते हैं ट्रेन स्टेशन भी यहीं है। तो कनेक्टिविटी जो ट्रांसपोर्ट की है वो बहुत ही अच्छी है। नॉर्वे में मोस्टली हर जगह ही ऐसी है। दोस्तों, दूसरी बस ये है हमारी, इसमें जाएंगे 20 मिनट के लिए। सो यू कैन सर्वाइव इन नॉर्वे विदाउट कार, स्पेशली इन समर्स। तो ये सामने आ गया है हमारा बस स्टॉप। अब यहाँ पे हम उतरेंगे एंड वी आर रेडी टू गो। पहुँच चुके हैं बायरन वॉक। हेलो। मौसम अचानक से बहुत सही हो गया, विच इज़ वेरी गुड। सुबह इट वॉज वेरी क्लाउडी और मेरे को लगता है कि वी हैव टू मेक दिस वीडियो वेरी फास्ट क्योंकि अभी एवा सो रही है। सो 30 मिनट के लिए हमारे पास एक ग्रेस पीरियड है जिसमें हमें सब करना है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी जल्दी। सो वी हैव रीच्ड बायरन वॉक और so let's just take you in. We so and Ava is up. Hello. Hello. Did you not sleep? Yeah, I'm so. Okay. Shells, did you Norwegian skills test karte? Batao what is written? Kya likha hai yahan pe? Yahan pe speaker mein bol ke. Let's okay, see. 7 saal mein kitni Norwegian sikhi? Well, common to Byron's work, which is kisi ko bhi samajh aa gaya. Iska matlab welcome to Byron's work. Gracias. Free timber means free for 4 hours. Okay. We are talking about parking means customer parking. Okay. And then last one is difficult. Ingen billet means billetus ticket. Okay. You'll get it inside. No. Ingen is no ticket. Without ticket, you can park for 4 hours. So you get. Oh. Yes, dear. So. अब हम आपको यहाँ के अंदर शॉप्स दिखाते हैं, कैफेज दिखाते हैं। ये आई थिंक ऑफ से ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर्स दूर होगा एंड यू कैन टेक बस और यू कैन ऑल्सो कम बाय अ कार। सो कम, लेट्स शो यू अराउंड। इस जगह पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सब कुछ हैंडमेड है और या फिर मेड इन नॉर्वे है। सो क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड और थोड़ी एक्सपेंसिव भी है बट इट्स रियली वेरी नाइस। और ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लकड़ी का सामान है। ये शूज़ भी जो है ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छे शूज़ है, कई वाटरप्रूफ भी है और ये भी मेड इन नॉर्वे है एंड वेरी कोजी।
दोस्तों अब आपको मैं बैरम्स वर्क की जो है थोड़ा सा एक हिस्ट्री लेसन देता हूँ। तो एक्चुअली अराउंड 1600 जो था हमारा एडी उसमें क्या था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन ओर जो थी और यहाँ पे थी स्मेल्टिंग की फैक्ट्री जिससे कि आयरन ओर से आयरन को बनाते हैं। और ये पूरे ऑस्लो आकर्सबोस के जो दो डिफरेंट स्टेट्स है यहाँ पे सबसे बड़ी और बहुत ज़्यादा मोनोपोली थी आयरन फैक्ट्रीज की। और आज की डेट में इट्स जस्ट अ प्लेस जहाँ पे एक बहुत छोटा सा विलेज है, पीपल कम हियर। और खासकर यहाँ पे बहुत ही प्यारी क्रिसमस मार्केट लगती है जैसे कि आप हमारे इस वाली वीडियो में देख सकते हैं। सो इफ़ यू आर अराउंड हैव अ विजिट। और यहाँ की जो शॉप्स है दे आर वेरी ट्रेडिशनल जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। ये वाला जो एरिया है मुझे हमेशा शिमला की लक्कड़ बाज़ार की याद दिलाता है। अगर आप शिमला से हैं या शिमला गए हैं तो आपको पता है मैं किस एरिया के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत ही होमली फीलिंग आती है यहाँ पे, क्योंकि इस शॉप में सब कुछ लकड़ी का ही बना हुआ सामान मिलेगा आपको। और ये बहुत ही प्यारी सी शॉप है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस क्यूट सी शॉप के अंदर जिसके अंदर सब कुछ ग्लास से बना है। ग्लास के वास, ग्लास के ग्लासेस, ग्लास के लैम्प, ग्लास की प्लेट, सब कुछ। और ये सब कुछ हैंडमेड है। और यहाँ पे अभी आप लेफ्ट पे देखेंगे इस एरिया पे ये हर रोज़ आपको लाइव बनाते वक्त दिखाते भी है, पर अनफॉर्चुनेटली आज ये वाला एरिया बंद था। सो मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू। बट अभी लगी है भूख तो चलते हैं कुछ खाने। क्या खाओगे? लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कैफे से हम क्या लेते हैं खाने को। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ऑलरेडी ही लाइन में इतना डिस्टेंस में खड़े होते हैं। मैंने बहुत बार वीडियोस में कहा है कि कोरोना से पहले से ही यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है, जो एवा बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है। सो फाइनली फूड इज हियर, नाउ लेट्स सिट एंड ईट। We are drinking tea and eating the sandwich. What are you eating, Arvind? दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कॉफी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। भारत की सभ्यता जिंजर टी। चलिए तो देखते हैं माँ और बेटी क्या कर रहे हैं। आर दे एंजॉयिंग और नॉट? टने टने टने। हेलो गाइस, हाय, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आर वी डूइंग एवो? वी लुकिंग एट द डकी सी। या Hello, guys. Okay, बस के लिए अभी 15 मिनट है तो सोचा आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे और शैलजा की जो है आजकल ये बात चल रही है कि हमें थोड़े डिफरेंट टाइप के व्लॉग्स बनाने चाहिए। आई मीन जिसमें कि हम डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी एक वीकेंड की रूटीन क्या रहती है,
और मैं पर्सनली थोड़ा योगा फॉलो करता हूँ, मतलब भारतीय संस्कृति जो है इन टर्म्स ऑफ योगा वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन चीज़ों में, सो प्लीज़ हमें बताइए। एंड आर कनेक्शन, ये देखिए ये आ चुकी है हमारे साथ। नहीं, आई वाज जस्ट टेलिंग कि डेली व्लॉग्स हम बना सकते हैं, नॉट डेली बट हमारी एक रूटीन क्या रहती है, फॉर इंस्टेंस वीकेंड रूटीन क्या रहती है। या अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आइडियाज दीजिए और बताइए आप किस चीज़ पे हमें और व्लॉग्स देखना चाहते हैं हमारे। That's it for today. If you like this video, like it, share it, subscribe it and comment below और हमें बताइए कि हम next video किस चीज़ पे बनाएं। And thanks for your love and support, guys. Thank you for watching. Bye bye. Namaste from Norway. Namaste from Norway. Arvind Nikar Pagas ने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है। Namaste from Norway. Namaste from Norway.